नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों? आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस द कराटे किड मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोर्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस द कराटे किड मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोर्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा और इस द कराटे किड मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस द कराटे किड मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोर्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोर्स, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। कि लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। दूसरा मोटिवेशनल कोर्स, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। कि हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। जैकी चैन की साल 2022 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है? अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था, जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेरी डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल, बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेयर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगले वर्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम वैन आई वॉज 9 से 30 ईयर्स ओल्ड आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस हैज़
all the action. The fight scenes are incredible and it was not just for full of remake. It taught Michi and Kung Fu traditional karate with Jackie Chan. It is still so much fun to watch. Even the 2022 all of the actors did a great job, especially Janvi Wang who played Chan, the lead bully. Did not it at times, but lot of this other it amazing. I watchable this movie too many times, yet still does not see myself getting bored with. And actually this movie, it is a great work of art. Love all of scenes depiction and they are all amazing. Character production is perfect. One of most recommended movie that touch as a lot of things like being strong in any situation, fakeness and fearless, being a true sportsman, accepting and learning the deeper meaning of the word victory and defeat, lastly being and passionate that all we do not connected the all things we have to achievement in our lives. With all those years that the Karate Kid is released, this make the younger one of this good thing about Jackie Chan. Of good performance of this movie is amazing. I did not really knew how to start this review. I will just give my feedback right off the bat. The acting is surprise incredible. I think Jaden Smith did an amazing job playing his character and I think I have to give props to Dry Mother. Have no clue who play here, but I think she probably had the second best performance in the show. I don't even think in grating when I saw it. Is almost like she was not acting. That how believable and relatable the way of portable these characters was. Jackie Chan of course has the best performance in the movie. Nothing else needs to be said about him. Chan was a very capable immigrant agnostic. I know his classical bully why was always seen nowadays in Cobra K. Even looking back to the old Karate Kid movie, but he is really does make his character feel menacing. Great movie. This movie is very powerful in so many ways. The movie touches a lot of life lessons and so as that taken like no heads down we can choose whatever not of great get back up. I love every actor of this movie and good a very action filled. I love this kung fu training scenes are mountain and great wall and dry victory scenes is the very tournament and red dream. I remember watching this very first come out of this 2010. I have not watchable this scenes because do not have the DVD. That was until I found on Netflix in the March 2020. I be watchable if you 5 days strength. Then I took a break from it. I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie. Something the best left untouchable. It would make more scenes for this film to be killed. The Kung Fu Kid does not use karate. This movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life. Watch the original from 1984. You will get much more enjoyment. But of Karate Kick of Jaden Smith running on the great wall of China and the bully is not anywhere near an invigorating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the intimidating with bully was 16 or 17. The same is Daniel and John were in the movie original film. I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out of 5 years after passing of Naruki, but Morita, this original Mr. Miyagi, this film is insult of Morita's legacy of this noise. Nobody can touch Morita's performance. I had remax. Just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well. Only 10 when op was filled, but the has not comparison to rape. Replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time. The original is free on Prime Video and DVD like $6. Go watch the movie from the 84. Trust me, the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustice to the quality production
ऑफ दिस फिल्म हैविंग विल स्मिथ एज वन ऑफ द की प्रोड्यूसर अलोंग साइड जैकी चैन जस्ट सो दिस माई हिस्ट्री एंड द अमेजिकल फील दैट दिस फिल्म ब्रिंग्स आई हैव एवरी सीन फिल्म टू मैनी टाइम्स टू काउंट एंड एवरी टाइम दिस वेरी स्टिल डाउन टू वॉच इट जस्ट ब्रिंग मी द एंजॉय ऑफ दिस गुड सर्टिफिकेशन ऑफ सींग जेडन स्मिथ एंड जैकी चैन परफॉर्मेंस फॉर दिस बेस्ट पार्ट अवेबिलिटी एंड सींग द केमिस्ट्री वर्क एज फ्लो अक्रॉस द एक्टिंग ऑफ दिस गुड आई वुड लव दिस मूवी क्रेडिट आफ्टर सीन्स एंड गुड सेटल वुड डाउन ऑफ मास्टर ऑफ फ्लाइंग डायग्रेस टीम आई वॉज फेयर यंग वैन दिस मूवी कम आउट एंड हो नेस्टली थ्रू आउट दिस मूवी ओनली कराटे किड मूवी आई हैव वॉचेबल दिस मूवी ए कपल टाइम्स एंड यूजफुल गोट बोर्ड ऑफ इट एंड स्टूपिड पेइंग अटेंशन आई वॉज नॉट अंटिल आई गोट ए बिट ओल्डर दैट आई फाउंड बट देर वॉज एन ओरिजिनल सो वॉच दिस फर्स्ट थ्री मूवीज एंड गुड ओरिजिनल ऑफ दिस द कराटे किड वॉज माई फेवरेट मूवी मनी बिकॉज ऑफ बेसिकल एंड गुड द एक्टिंग एंड प्लॉट वॉज नॉट नियरली एज सो गुड द फाइनेंस ऑफ दिस लाइक जस्ट न्यू वाई दिस नेटफ्लिक्स सीरीज मैट ऑफ दिस इंटरेस्टिंग वैन सिक्स एक्सक्यूज थैंक्स फॉर कमिंग टू माई किटेड कटाल वॉचेबल दिस मूवी ऑफ दिस वेरी दिस इज एन एब्सोल्युटली अमेजन मूवी सो मैनी थिंग्स एज वेल डन ऑफ दिस वेरी रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर हैंड एंड ड्राई रोमांस बिटवीन ड्राई एंड फॉर गेट हेयर नैम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चैंग एंड ड्राई ऑफ दिस गुड जैकी चैन आर जस्ट अमेजन ऑफ दिस दिस इट इज़ ग्रेट मूवी स्पेशली ऑफ दिस गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन। साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था, जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस वर्स एनी वे बैक टू माई रिव्यू दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम वैन आई वॉज 9 से 30 years old आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट दिस मूवी हो नेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी दिस As all the action, the fight scenes are incredible and it was not just for full of remake. It taught Michi and Kung Fu traditional karate with Jackie Chan. It is still so much fun to watch. Even the 2022 all of the actors did a great job, especially Janvi Wang who played Chan, the lead bully did not at times but lot of this other it amazing eye watchable. This movie too many times yet still does not see myself getting bored with and actually this movie
मूवी। इट इज़ ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजिंग। करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट। वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन, फेकेशन एंड फेयरलेस, बींग ए ट्रू स्पोर्ट्समैन, एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ड विक्ट्री एंड डिफीट, लास्टली बींग एंड पर्सोनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव्स विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द खर्रा टिकट इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओवन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन। आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ टू स्टार्ट दिस रिव्यू। आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट। द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल। आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother. Have no clue who play here but I think she probably had the second best performance in the show. I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting. That how believable and relatable the way of portable this character was. Jackie Chan of course has the best performance in the movie. Nothing needs to be said about him. Chan was a very capable immigrant agnostic. I know his classical bully why was always seen nowadays in Cobra K. Even looking back to the old Karate Kid movie, but he is really does make his character feel menacing. Great movie. This movie is very powerful in so many ways. The movie touches a lot of life lessons and so as that taken like no as down we can choose whatever not of great get back up. I love every actor of this movie and good a very action filled. I love this kung fu training scenes are mountain and great wall and Dry victory scenes is the very tournament and red remember watching this very first come out of this 2010. I have not watchable this scenes because do not have the DVD that was until I found on Netflix in the March 2020. I be watchable if you 5 days strength then I took a break from it. I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie. Something the best left untouchable. It would make more scenes for this film to be killed. The Kung Fu Kid does not use karate. This movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life. Watch the original from 1984. You will get much more enjoyment. But of karate kick of Jordan Smith running on the great wall of chin and the bully is not anywhere near an inimitating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the imitating with bully was 16 or 17. The same is Daniel and John were in the movie original film. I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out 5 years after passing of Naruki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance. I had remax just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well only 10 when op was filled but the has not comparison to rap replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time. The original is free on Prime Video and DVD like $6. Go watch the movie from the 84 trust me. The rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film. Having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just show this my history and the magical feel that this film brings. I have every scene film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the joy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the acting of this good. I would love this movie
क्रेडिट आफ्टर सीन्स एंड गुड सेटल्ड डाउन ऑफ मास्टर ऑफ फ्लाइंग डायग्रेस टीम आई वॉज फेयर यंग वैन दिस मूवी कम आउट एंड होनेस्टली थ्रू आउट दिस मूवी ओनली कराटे किड मूवी आई हैव वॉचेबल दिस मूवी ए कपल टाइम्स एंड यूजफुल गोट बोर्ड ऑफ इट एंड स्टूपिड पेइंग अटेंशन आई वॉज नॉट अंटिल आई गोट ए बिट ओल्डर दैट आई फाउंड बट देर वॉज एन ओरिजिनल सो वॉच दिस फर्स्ट थ्री मूवीज एंड गुड ओरिजिनल ऑफ दिस द कराटे किड वॉज माई फेवरेट मूवी मनी बिकॉज ऑफ बेसिकल एंड गुड द एक्टिंग एंड प्लॉट वॉज नॉट नियरली एज सो गुड द फाइनेंस ऑफ दिस लाइक जस्ट न्यू वाई दिस नेटफ्लिक्स सीरीज मैट ऑफ दिस इंटरेस्टिंग वैंड सिक्स एक्सक्यूज थैंक्स फॉर कमिंग टू माई किटेड कटालग वॉचेबल दिस मूवी ऑफ दिस वेरी दिस इज एन एब्सोल्युटली अमेजन मूवी सो मैनी थिंग्स एज वेल डन ऑफ दिस वेरी रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर हैंड एंड ड्राई रोमांस बिटवीन ड्राई एंड फॉरगेट हेयर नेम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चैंग एंड ड्राई ऑफ दिस वुड जैकी चैन आर जस्ट अमेजन ऑफ दिस दिस इट इज़ ग्रेट मूवी स्पेशली ऑफ दिस गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन। साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था, जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस गर्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम वैन आई वॉज 9 से 30 years old आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी दिस has all the action, the fight scenes are incredible and it was not just for full of remake, it taught Michi and Kung Fu traditional karate with Jackie Chan, it is still so much fun to watch even the 2022 all of the actors did a great job especially Janvi Wang who played Chan's the lead bully did not it at times but lot of this other it amazing eye watchable this movie too many times yet still does not see myself getting bored with an actually this movie it is a great work of art love all of scenes depiction and they are all amazing character production is perfect one of most recommended movie that touches as a lot of things like being strong in any situation fearless and fearless being a true sportsman accepting and learning the deeper meaning of the word victory and defeat lastly being an
एंड पैशनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव्स विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द खर्रा टिकट इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओवन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ दिस स्टार्ट दिस रिव्यू आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother have no clue who play where but I think she probably had the second best performance in the show I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting that how believable and relatable the way of portable these characters was Jackie Chan of course has the best performance in the movie nothing Lage needs to be said about him. Chan was a very capable of immigrant agnostic. I know his classical bully. He was always seen nowadays in Cobra K, even looking back to the old Karate Kid movie. But he is really does make his character feel menacing. Great movie. This movie is very powerful in so many ways. The movie touches a lot of life lessons and so as that taken like no as down we can choose whatever not of great get back up. I love every actor of this movie and good a very action filled. I love this kung fu training scenes are mountain and great wall and Dry victory scenes is the very tournament and Dread remember watching this very first come out of this 2010 I have not watchable this scenes because do not have the DVD that was until I found on Netflix in the March 2020 I be watchable if you 5 days strength then I took a break from it I started watching it again on April by April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie something the best left untouchable it would make more scenes for this film to be killed the kung fu kid or does not use karate this movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life watch the original from 1984 you will get much more enjoyment but of karate kick of Jordan Smith running on the great wall of chin and the bully is not anywhere near an inimitating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the inimitating with bully was 16 or 17 the same is Daniel and John were in the movie original film I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out of 5 years after passing of Naruki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remax just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well only 10 when hope was filled but the has not comparison to rap replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just show this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the enjoy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the act acting of this good I would love this movie credit after scenes and good set load down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this
फर्स्ट थ्री मूवीज एंड गुड ओरिजिनल ऑफ दिस सुधा खरा टिकट वॉज माई फेवरेट मूवी मनी बिकॉज ऑफ बेसिकल एंड गुड द एक्टिंग एंड प्लॉट वॉज नॉट नियरली एज सो गुड द फाइनस ऑफ दिस लाइक जस्ट न्यू वाई दिस नेटफ्लिक्स सीरीज मैट ऑफ दिस इंटरेस्टिंग वैंड सिक्स एक्सक्यूज थैंक्स फॉर कमिंग टू माई किटेड कटालग वॉचेबल दिस मूवी ऑफ दिस वेरी दिस इज एन एब्सोल्युटली अमेजन मूवी सो मैनी थिंग्स एज वेल डन ऑफ दिस वेरी रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर हैंड एंड ड्राई रोमांस बिटवीन ड्राई एंड फॉरगेट हेयर नेम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चैंग एंड ड्राई ऑफ दिस वुड जैकी चैन आर जस्ट अमेजन ऑफ दिस दिस इट इज़ ग्रेट मूवी स्पेशली ऑफ दिस गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन। साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था, जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 हैं और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस वर्स एनी वे बैक टू माई रिव्यू दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम वैन आई वॉज 9 से 30 years old आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी दिस has all the action the fight scenes are incredible and it was not just for full of remake it taught michi and kung fu traditional karate with jackie chan it is still so much fun to watch even the 2022 all of the actors did a great job especially janvi wang who played chan the lead bully did not it at times but lot of this other it amazing eye watchable this movie too many times yet still does not see myself getting bored with and actually this movie it is a great work of art love all of scenes depiction and they are all amazing character production is perfect one of most recommended movie that touch as a lot of things like being strong in any situation fearless and fearless being a true sportsman accepting and learning the deeper meaning of the word victory and defeat lastly being and passionate that all we do not connected the all things we have to achievement in our own lives with all those years that the karate kit is released this make the younger one of this good thing about jackie chan of good performance of this movie is amazing I did not really knew how to start this review I will just give my feedback right off the bat the acting is surprise incredible I think jaden smith
स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब प्लेइंग हिज करेक्टर एंड आई थिंक आई हैव टू गिव प्रॉप्स टू ड्राई मदर हैव नो क्ल्यू हु प्ले हेयर बट आई थिंक सी प्रॉब्लमी हैड द सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन द शो आई डोंट इवन थिंक इन इनग्रेटिंग वैन आई शो इट इज ऑलमोस्ट लाइक सी वॉज नॉट एक्टिंग दैट हाउ बिलीवेबल एंड रिटेबलेबल द वे ऑफ पोर्टेबल दिज करैक्टर वॉज जेकी चैन ऑफ कोर्स हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द मूवी नथिंग इलेज नीड्स टू बी सेड अबाउट हिम चैन्स वॉज ए वेरी कैपेबल इमिग्रेम एग्नोस्ट आई नो हिज क्लासिकल बुली वही वाल ऑलवेज सी नाउ डेज इन कोबरा के इवन लुकिंग बैक टू द ओल्ड कराटे किड मूवी बट ही इज रियली डज मैक हिज करैक्टर फील मैनेसिंग ग्रेट great movie this movie is very powerful in so many ways the movie touches a lot of life lessons and so as that taken like no has down we can choose whatever note of great get back up I love every actor of this movie and good a very action filled I love this kung fu training scenes are mountain and great wall and Derai victory scenes is the very tournament and red remember watching this very first come out of this 2010 I have not watchable this scenes because do not have the DVD that was until I found on Netflix in the March 2020 I be watchable if you 5 days strength then I took a break from it I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie something the best left untouchable it would make more scenes for this film to be killed the kung fu kid or does not use karate this movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life watch the original from 1984 you will get much more enjoyment but of karate kick of Jordan Smith running on the great wall of China and the bully is not anywhere near an inimitating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the inimitating with bully was 16 or 17 the same is Daniel and John were in the movie original film I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out of 5 years after passing of Naruki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remax just watch the good one of the goat dothoing of Jaden Smith as well only 10 when op was filled but the has not comparison to rape replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just so this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the joy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the act of this good I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this the Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the finance of this like just knew why this Netflix series made of this interesting when 6 excuse thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely
अमेजन मूवी सो मैनी थिंग्स एज वेल डन ऑफ दिस वेरी रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर हैंड एंड ड्राई रोमांस बिटवीन ड्राई एंड फॉर गेट हेयर नैम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चैंग एंड ड्राई ऑफ दिस गुड जैकी चैन आर जस्ट अमेजन ऑफ दिस दिस इट इज़ ग्रेट मूवी स्पेशली ऑफ दिस गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन। साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था, जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 हैं और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस गर्ल्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम वैन आई वॉज 9 से 30 ईयर्स ओल्ड आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मेन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस has all the action, the fight scenes are incredible and it was not just for full of remake, it taught Michi and Kung Fu traditional karate with Jackie Chan, it is still so much fun to watch even the 2022 all of the actors did a great job especially Janvi Wang who played Chan the lead bully did not it at times but lot of this other it amazing eye watchable this movie too many times yet still does not see myself getting bored with and actually this movie it is a great work of art, love all of scenes depiction and they are all amazing, character production is perfect, one of most recommended movie that touch as a lot of things like being strong in any situation, fearless and fearless, being a true sportsman, accepting and learning the deeper meaning of the word victory and defeat, lastly being and passionate that all we do not connected the all things we have to achievement in our own lives with all those years that the karate kid is released this make the younger one of this good thing about Jackie Chan of good performance of this movie is amazing. I did not really knew how to start this review, I will just give my feedback right off the bat, the acting is surprise incredible, I think JD Smith did an amazing job playing his character and I think I have to give props to Dry Mother, have no clue who play here but I think she probably had the second best performance in the show. I don't even think in grating when I saw it is almost like she was not acting, that how believable and relatable the way of portable these characters was. Jackie Chan of course has the best performance
romance in the movie. Nothing else needs to be said about him. Chance was a very capable immigrant agnostic. I know his classical bullying. Why was always seen nowadays in Cobra K, even looking back to the old Karate Kid movie. But he is really does make his character feel menacing. Great movie. This movie is very powerful in so many ways. The movie touches a lot of life lessons, and so as that taken like no has down, we can choose whatever note of great get back up. I love every actor of this movie and good a very action filled. I love this kung fu training scenes are mountain and great wall and dry victory scenes is the very tournament and red remember watching this very first come out of this 2010. I have not watchable this scenes because do not have the DVD. That was until I found on Netflix in the March 2020. I be watchable if you 5 days strength. Then I took a break from it. I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie. Something the best left untouchable. It would make more scenes for this film to be killed. The Kung Fu Kid are does not use karate. This movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life. Watch the original from 1984. You will get much more enjoyment. But of Karate Kick of Jordan Smith running on the Great Wall of China and the bully is not anywhere near an invigorating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the intimidating with bully was 16 or 17. The same is Daniel and John were in the movie original film. I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out 5 years after passing of Narrow King, but Morita, this original Mr. Miyagi, this film is insult of Morita's legacy of this noise. Nobody can touch Morita's performance. I had remax. Just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well. Only 10 when op was filled, but the has not comparison to rap. Replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time. The original is free on Prime Video and DVD like $6. Go watch the movie from the 84. Trust me, the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film. Having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just show this my history and the magical feel that this film brings. I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the joy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the acting of this good. I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team. I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention. I was not until I got a bit older that I found but there was an original. So watch this first 3 movies and good original of this. The Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good. The acting and plot was not nearly as so good. The fans of this like just knew why this Netflix series made of this interesting when 6 excuse. Thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very. This is an absolutely amazing movie. So many things as well done of this very relationship between Mr. Hand and Dry, romance between Dry and forget her name, the conflict between Chang and Dry of this good Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible. I have every scene.
साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था, जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल, बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस्टिया गर्ल्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम वैन आई वॉज 9 से 30 years old. आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट, दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी, दिस हैज ऑल द एक्शन, द फाइट सीन्स आर इनक्रीबल एंड इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फुल ऑफ रीमैक, इट टोथ मिची एंड कुंग फू ट्रेड नेशनल कराटे विथ जैकी चैन, इट इज स्टिल सो मच फन टू वॉच इवन द 2022 ऑल ऑफ द एक्ट्रेस डिड ए ग्रेट जॉब, स्पेशली जैनवी वैंग हु प्ले चेंज द लीड बुली डिज नॉट इट टाइम्स बट लॉट ऑफ दिस अदर इट अमेजन आई वॉचेबल दिस मूवी टू मैनी टाइम्स येट स्टिल डज नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग बोर्ड विथ एन एक्चुअली दिस मूवी इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजन, करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट, वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन, फेकेशन एंड फेयरलेस, बींग ए ट्रू स्पोर्ट्समैन, एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ड विक्ट्री एंड डिफीट, लास्टली बींग एंड पर्सोनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव्स विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द कराटे किड इज रिलीज, दिस मैक द यंगर ओन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन, आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ टू स्टार्ट दिस रिव्यू, आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट, द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल, आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to dry mother, have no clue who play here but I think she probably had the second best performance in the show, I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting, that how believable and relatable the way of portable this character was, Jackie Chan of course has the best performance in the movie, nothing is Age needs to be said about him. Chan was a very capable of immigrant agnostic. I know his classical bullying. Why was always seen nowadays in Cobra K, even looking back to the old Karate Kid movie. But he is really does make his character feel menacing, great, great.
ग्रेट मूवी। दिस मूवी इज वेरी पावरफुल इन सो मैनी वेज। द मूवी टच ए लॉट ऑफ लाइफ लेसन एंड सो एज दैट टेकन लाइक नो हैज डाउन वी कैन चूज वाट एवर नॉट ऑफ ग्रेट गेट बैकअप। आई लव एवरी एक्टर ऑफ दिस मूवी एंड गुड एवरी एक्शन फ्लिड। आई लव दिस कुंगफू ट्रेनिंग सीन्स आर माउंटेन एंड ग्रेट वॉल एंड डराई विक्टोरी सीन्स इज द वेरी टूर्नामेंट एंड रेड रिमेंबर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस 2010। आई हैव नॉट वॉचेबल दिस सीन्स बिकॉज डू नॉट हैव द डी वी डी दैट वॉज अंटिल आई फाउंड ऑन नेटफ्लिक्स इन द मार्च 2020। आई बी वॉचेबल इफ यू 5 days स्ट्रेंथ देन आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम आई I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie something the best left untouchable it would make more scenes for this film to be killed the kung fu kid or does not use karate this movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life watch the original from 1984 you will get much more enjoyment but of karate किक ऑफ जॉर्डन स्मिथ रनिंग ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चीन एंड द बुली इज नॉट एनीवेयर नियर एन इनमिनिग्रेटिंग वह जॉनी लॉरेंस ऑफ जॉनी क्रिस विथ द करेक्टर विंग 11 डज नॉट मैक द इमिनिडेटिंग विथ बुली वाज 16 और 17 द सैम इज डेनियल एंड जॉन वेयर इन द मूवी ओरिजिनल फिल्म। आई थिंक दिस वन वर्ड इज द गुड बट बेटर एंड नॉट एंड टू मैंशन हाउ दिस फिल्म कैम आउट ऑफ 5 years आफ्टर passing of Naruki but Morita this original Mr. Miyagi the this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remakes just watch the good one of the goat the throwing of Jaden Smith as well only 10 when hope was filled but the has not comparison to rape replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just so this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the enjoy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the acting of this good I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this the Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the fans of this like just knew why this Netflix series made of this interesting and 6 excuse thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely amazing movie so many things as well done of this very relationship between Mr. Han and dry romance between dry and forget her name the conflict between Chang and dry of this good Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible I have every scene साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने
के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.2 है और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस्टिया गर्ल्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम व्हेन आई वॉज 9 से 30 years old आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस हैज ऑल द एक्शन, द फाइट सीन्स आर इनक्रीबल एंड इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फुल ऑफ रीमैक इट टोथ मिची एंड कुंग फू ट्रेड नेशनल कराटे विथ जैकी चैन इट इज स्टिल सो मच फन टू वॉच इवन द 2022 ऑल ऑफ द एक्ट्रेस डिड ए ग्रेट जॉब स्पेशली जेनवी वैंग हु प्ले चेंज द लीड बुली डिज नॉट इट टाइम्स बट लॉट ऑफ दिस अदर इट अमेजन आई वॉचेबल दिस मूवी टू मैनी टाइम्स येट स्टिल डज नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग बोर्ड विथ एन एक्चुअली दिस मूवी इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजन करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन फेकेशन एंड फेयरलेस बींग ए ट्रू स्पोर्ट्समैन एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड विक्ट्री एंड डिफीट लास्टली बींग एंड पर्सोनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव्स विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द कराटे किड इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ टू स्टार्ट दिस रिव्यू आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother have no clue who play here but I think she probably had the second best performance in the show I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting that how believable and relatable the way of portable these characters was Jackie Chan of course has the best performance in the movie nothing Ilaj needs to be said about him. Chan was a very capable immigrant agnostic. I know his classical bullying. Why was always seen nowadays in Cobra K. Even looking back to the old Karate Kid movie, but he is really does make his character feel menacing. Great movie. This movie is very powerful in so many ways. The movie touches a lot of life lessons and so as that taken like no heads down we can choose whatever note of great get back up. I love every actor of this movie and good
वेरी एक्शन फिल्ड, आई लव दिस कुंग फू ट्रेनिंग सीन्स आर माउंटेन एंड ग्रेट वॉल एंड डराई विक्टोरी सीन्स इज द वेरी टूर्नामेंट एंड रेड रिमेंबर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस 2010 आई हैव नॉट वॉचेबल दिस सीन्स बिकॉज डू नॉट हैव द DVD दैट वॉज अंटिल आई फाउंड ऑन नेटफ्लिक्स इन द मार्च 2020 आई बी वॉचेबल इफ यू 5 days स्ट्रेंथ देन आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie something the best left untouchable it would make more scenes for this film to be killed the kung fu kid or does not use karate this movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life watch the original from 1984 you will get much more enjoyment but of karate kick of Jordan Smith running on the great wall of China and the bully is not anywhere near an invigorating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the intimidating with bully was 16 or 17 the same is Daniel and John were in the movie original film I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out of 5 years after passing of Naoki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remakes just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well only 10 when hope was filled but the has not comparison to rape replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just so this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the enjoy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part availability and seeing the chemistry work as flow across the acting of this good I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this The Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the finals of this like just knew why this Netflix series made of this interesting and 6 excuse thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely amazing movie so many things as well done of this very relationship between Mr. Hand and dry romance between dry and forget her name the conflict between Chang and dry of this good Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible I have every scene साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने
के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 हैं। और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस्टिया गर्ल्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम व्हेन आई वॉज 9 से 30 ईयर्स ओल्ड आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस हैज ऑल द एक्शन, द फाइट सीन्स आर इनक्रीबल एंड इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फुल ऑफ रीमैक इट टोथ मिची एंड कुंग फू ट्रेड नेशनल कराटे विथ जैकी चैन। इट इज स्टिल सो मच फन टू वॉच इवन द 2022 ऑल ऑफ द एक्ट्रेस डिड ए ग्रेट जॉब स्पेशली जेनवी वैंग हु प्ले चेंज द लीड बुली डिज नॉट इट टाइम्स बट लॉट ऑफ दिस अदर इट अमेजन आई वॉचेबल दिस मूवी टू मैनी टाइम्स येट स्टिल डज नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग बोर्ड विथ एन एक्चुअली दिस मूवी इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजन करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन फेकेशन एंड फेयरलेस बींग ए ट्रू स्पोर्ट्समैन एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड विक्ट्री एंड डिफीट लास्टली बींग एंड पैशनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव्स विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द कराटे किड इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ टू स्टार्ट दिस रिव्यू आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother have no clue who play here but I think she probably had the second best performance in the show I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting that how believable and relatable the way of portable these characters was Jackie Chan of course has the best performance in the movie nothing ill needs to be said about him Chan was a very capable of immigrant agnostic I know his classical bully why was always seen nowadays in Cobra K even looking back to the old Karate Kid movie but he is really does make his character feel menacing great movie this movie is very powerful in so many ways the movie touches a lot of life lesson and so as that taken like no has down we can choose whatever not of great get back up I love every actor of this movie and good
वेरी एक्शन फिल्ड। आई लव दिस कुंग फू ट्रेनिंग सीन्स आर माउंटेन एंड ग्रेट वॉल एंड डराई विक्टोरी सीन्स इज द वेरी टूर्नामेंट एंड रेड रिमेंबर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस 2010। आई हैव नॉट वॉचेबल दिस सीन्स बिकॉज डू नॉट हैव द DVD दैट वॉज अंटिल आई फाउंड ऑन नेटफ्लिक्स इन द मार्च 2020। आई बी वॉचेबल इफ यू 5 days स्ट्रेंथ देन आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम इट आई स्टार्टेड वॉचिंग इट अगेन ऑन अप्रैल 2020 एंड आई हैव बीन वॉचिंग इन द सीन दैट ओ वेरी ग्रेट मूवी समथिंग द बेस्ट लेफ्ट अनटचेबल इट वुड मेक मोरी सीन्स फॉर दिस फिल्म टू बी क्लिड द कुंग फू किड आर डज नॉट यूज कराटे दिस मूवी हैज नो राइट टू टेक अप 2 hours and 30 minutes ऑफ योर लाइफ वॉच द ओरिजिनल फ्रॉम 1984 यू विल गेट मच मोरी इंजॉयमेंट बट ऑफ कराटे किक ऑफ जॉर्डन स्मिथ रनिंग ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चीन एंड द बुली इज नॉट एनी वेयर नियर एन इनमिनिग्रेटिंग जॉनी लॉरेंस ऑफ जॉनी क्रिस विथ द करेक्टर विंग 11 डज नॉट मैक द इमिनिडेटिंग विथ बुली वॉज 16 or 17 द सैम इज डेनियल एंड जॉन वेयर इन द मूवी ओरिजिनल फिल्म। आई थिंक दिस वन वर्ड इज द गुड बट बेटर एंड नॉट एंड टू मैंशन हाउ दिस फिल्म कैम आउट to 5 years after passing of Naoki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remax just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well only 10 when op was filled but the has not comparison to rap replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just to show this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the enjoy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the act acting of this good I would love this movie credit after scenes and good set load down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this The Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the fans of this like just knew why this Netflix series made of this interesting when 6 excuse thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely amazing movie so many things as well done of this very relationship between Mr. Hand and dry romance between dry and forget her name the conflict between Chang and dry of this good Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible I have every scene साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने
के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 हैं। और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेयर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस्टिया गर्ल्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम वैन आई वॉज 9 से 30 ईयर्स ओल्ड आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस हैज ऑल द एक्शन, द फाइट सीन्स आर इनक्रीबल एंड इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फुल ऑफ रीमैक इट टोथ मिची एंड कुंग फू ट्रेड नेशनल कराटे विथ जैकी चैन इट इज स्टिल सो मच फन टू वॉच इवन द 2022 ऑल ऑफ द एक्ट्रेस डिड ए ग्रेट जॉब स्पेशली जेनवी वैंग हु प्ले चेंज द लीड बुली डिज नॉट इट टाइम्स बट लॉट ऑफ दिस अदर इट अमेजन आई वॉचेबल दिस मूवी टू मैनी टाइम्स येट स्टिल डज नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग बोर्ड विथ एंड एक्चुअली दिस मूवी इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजन करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन फेकेशन एंड फेयरलेस बींग ए ट्रू स्पोर्ट्समैन एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ड विक्ट्री एंड डिफीट लास्टली बींग एंड पैशनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द कराटे किड इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ द स्टार्ट दिस रिव्यू आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother have no clue who play her but I think she probably had the second best performance in the show I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting that how believable and relatable the way of portable these characters was Jackie Chan of course has the best performance in the movie nothing needs to be said about him Chan was a very capable immigrant agnostic I know his classical bullying why was always seen nowadays in Cobra K even looking back to the old Karate Kid movie but he is really does make his character feel menacing great movie this movie is very powerful in so many ways the movie touches a lot of life lesson and so as that taken like no has down we can choose whatever note of great get back up I love every actor of this movie and good
वेरी एक्शन फिल्ड। आई लव दिस कुंग फू ट्रेनिंग सीन्स आर माउंटेन एंड ग्रेट वॉल एंड डराई विक्टोरी सीन्स इज द वेरी टूर्नामेंट एंड रेड रिमेंबर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस 2010। आई हैव नॉट वॉचेबल दिस सीन्स बिकॉज डू नॉट हैव द DVD दैट वॉज अंटिल आई फाउंड ऑन नेटफ्लिक्स इन द मार्च 2020। आई बी वॉचेबल इफ यू 5 days स्ट्रेंथ देन आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम इट आई स्टार्टेड वॉचिंग इट अगेन ऑन 22 अप्रैल 2020 एंड आई हैव बीन वॉचिंग इन द सीन दैट ओ वेरी ग्रेट मूवी समथिंग द बेस्ट लेफ्ट अनटचेबल इट वुड मेक मोरी सीन्स फॉर दिस फिल्म टू बी क्लिड द कुंग फू किड आर डज नॉट यूज कराटे दिस मूवी हैज नो राइट टू टेक अप 2 hours and 30 minutes ऑफ योर लाइफ वॉच द ओरिजिनल फ्रॉम 1984 यू विल गेट मच मोरी इंजॉयमेंट बट ऑफ कराटे किक ऑफ जॉर्डन स्मिथ रनिंग ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चीन एंड द बुली इज नॉट एनी वेयर नियर एंड इनमिनिग्रेटिंग वेयर जॉनी लॉरेंस ऑफ जॉनी क्रिस विथ द करेक्टर विंग 11 डज नॉट मैक द इमिनिडेटिंग विथ बुली वॉज 16 और 17 द सैम इज डेनियल एंड जॉन वेयर इन द मूवी ओरिजिनल फिल्म। आई थिंक दिस वन वर्ड इज द गुड बट बेटर एंड नॉट एंड टू मैंशन हाउ दिस फिल्म कैम आउट of 5 years after passing of Narokin but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remax just watch the good one of the goat the throwing of Jaden Smith as well only 10 when of was filled but the has not comparison to rape replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just so this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the joy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the act of this good I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this The Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the fans of this like just knew why this Netflix series made of this interesting when 6 issues thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely amazing movie so many things as well done of this very relationship between Mr. Hand and dry romance between dry and forget her name the conflict between Chang and dry of this good Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible I have every scene साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने
के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.2 हैं। और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस्टिया गर्ल्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम वैन आई वॉज 9 से 30 ईयर्स ओल्ड आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस हैज ऑल द एक्शन, द फाइट सीन्स आर इनक्रीबल एंड इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फुल ऑफ रीमैक इट टोथ मिची एंड कुंग फू ट्रेड नेशनल कराटे विथ जैकी चैन इट इज स्टिल सो मच फन टू वॉच इवन द 2022 ऑल ऑफ द एक्ट्रेस डिड ए ग्रेट जॉब स्पेशली जेनवी वैंग हु प्ले चेंज द लीड बुली डिज नॉट इट टाइम्स बट लॉट ऑफ दिस अदर इट अमेजन आई वॉचेबल दिस मूवी टू मैनी टाइम्स येट स्टिल डज नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग बोर्ड विथ एंड एक्चुअली दिस मूवी इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजन करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन फेकेशन एंड फेयरलेस बींग ए ट्रू स्पोर्ट्समैन एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ड विक्ट्री एंड डिफीट लास्टली बींग एंड पर्सोनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द कराटे किड इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओवन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ टू स्टार्ट दिस रिव्यू आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother have no clue who play her but I think she probably had the second best performance in the show I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting that how believable and relatable the way of portable these characters was Jackie Chan of course has the best performance in the movie nothing needs to be said about him Chan was a very capable immigrant agnostic I know his classical bullying why was always seen nowadays in Cobra K even looking back to the old Karate Kid movie but he is really does make his character feel menacing great movie this movie is very powerful in so many ways the movie touches a lot of life lessons and so as that taken like no has down we can choose whatever note of great get back up I love every actor of this movie and good
वेरी एक्शन फिल्ड। आई लव दिस कुंग फू ट्रेनिंग सीन्स आर माउंटेन एंड ग्रेट वॉल एंड डराई विक्टोरी सीन्स इज द वेरी टूर्नामेंट एंड रेड रिमेंबर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस 2010। आई हैव नॉट वॉचेबल दिस सीन्स बिकॉज डू नॉट हैव द DVD दैट वॉज अंटिल आई फाउंड ऑन नेटफ्लिक्स इन द मार्च 2020। आई बी वॉचेबल इफ यू 5 days स्ट्रेंथ देन आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie something the best left untouchable it would make more scenes for this film to be killed the kung fu kid or does not use karate this movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life watch the original from 1984 you will get much more enjoyment but of karate kick of Jordan Smith running on the great wall of chin and the bully is not anywhere near an invigorating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the intimidating with bully was 16 or 17 the same is Daniel and John were in the movie original film I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out of 5 years after passing of Naruki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remax just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well only 10 when op was filled but the has not comparison to rap replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustice to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just so this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the joy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the acting of this good I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this The Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the finance of this like just knew why this Netflix series made of this interesting when 6 issues thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely amazing movie so many things as well done of this very relationship between Mr. Hand and dry romance between dry and forget her name the conflict between Chang and dry of this good Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible I have every scene साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने
के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.2 है और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस्टिया गर्ल्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम व्हेन आई वॉज 9 से 30 ईयर्स ओल्ड आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस हैज ऑल द एक्शन, द फाइट सीन्स आर इनक्रीबल एंड इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फुल ऑफ रीमैक इट टोथ मिची एंड कुंग फू ट्रेड नेशनल कराटे विथ जैकी चैन। इट इज स्टिल सो मच फन टू वॉच इवन द 2022 ऑल ऑफ द एक्ट्रेस डिड ए ग्रेट जॉब स्पेशली जेनवी वैंग हु प्ले चेंज द लीड बुली डिज नॉट इट टाइम्स बट लॉट ऑफ दिस अदर इट अमेजन आई वॉचेबल दिस मूवी टू मैनी टाइम्स येट स्टिल डज नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग बोर्ड विथ एन एक्चुअली दिस मूवी इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजन करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन फेकेशन एंड फेयरलेस बींग ए ट्रू स्पोर्ट्स मैन एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ड विक्ट्री एंड डिफीट लास्टली बींग एंड पर्सोनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव्स विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द कराटे किड इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ टू स्टार्ट दिस रिव्यू आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother have no clue who play here but I think she probably had the second best performance in the show I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting that how believable and relatable the way of portable this character was Jackie Chan of course has the best performance in the movie nothing ill needs to be said about him Chan was a very capable immigrant agnostic I know his classical bully why was always seen nowadays in Cobra K even looking back to the old Karate Kid movie but he is really does make his character feel menacing great movie this movie is very powerful in so many ways the movie touches a lot of life lesson and so as that taken like no has down we can choose whatever not of great get back up I love every actor of this movie and good
वेरी एक्शन फिल्ड। आई लव दिस कुंग फू ट्रेनिंग सीन्स आर माउंटेन एंड ग्रेट वॉल एंड डराई विक्टोरी सीन्स इज द वेरी टूर्नामेंट एंड रेड रिमेंबर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस 2010। आई हैव नॉट वॉचेबल दिस सीन्स बिकॉज डू नॉट हैव द DVD दैट वॉज अंटिल आई फाउंड ऑन नेटफ्लिक्स इन द मार्च 2020। आई बी वॉचेबल इफ यू 5 days स्ट्रेंथ देन आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम आई स्टार्टेड वॉचिंग इट अगेन ऑन अप्रैल 2020 एंड आई हैव बीन वॉचिंग इन द सीन दैट ओ वेरी ग्रेट मूवी समथिंग द बेस्ट लेफ्ट अनटचेबल इट वुड मेक मोरी सीन्स फॉर दिस फिल्म टू बी क्लिड द कुंग फू किड आर डज नॉट यूज कराटे दिस मूवी हैज नो राइट टू टेक अप 2 hours and 30 minutes ऑफ योर लाइफ वॉच द ओरिजिनल फ्रॉम 1984 यू विल गेट मच मोरी इंजॉयमेंट बट ऑफ कराटे किक ऑफ जॉर्डन स्मिथ रनिंग ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चीन एंड द बुली इज नॉट एनी वेयर नियर एन इनमिनिग्रेटिंग जॉनी लॉरेंस ऑफ जॉनी क्रिस विथ द करेक्टर विंग 11 डज नॉट मैक द इमिनिडेटिंग विथ बुली वॉज 16 or 17 द सैम इज डेनियल एंड जॉन वेयर इन द मूवी ओरिजिनल फिल्म। आई थिंक दिस वन वर्ड इज द गुड बट बेटर एंड नॉट एंड टू मैंसन हाउ दिस फिल्म कैम आउट to 5 years after passing of Naoki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remax just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well only 10 when hope was filled but the has not comparison to rape replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5/5 stars would be gross unjustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just to show this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the enjoy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part availability and seeing the chemistry work as flow across the act of this good I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this The Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the fans of this like just knew why this Netflix series made of this interesting and 6 excuse thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely Amazing movie so many things as well done of this very relationship between Mr. Hand and Dry romance between Dry and forget her name the conflict between Chang and Dry of this would Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible I have every scene साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने
के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.2 हैं। और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेरी डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल, बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेयर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस्टिया वर्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम व्हेन आई वॉज 9 से 30 ईयर्स ओल्ड। आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट, दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मैन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस हैज ऑल द एक्शन, द फाइट सीन्स आर इनक्रीबल एंड इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फुल ऑफ रीमैक, इट टोथ मिची एंड कुंग फू ट्रेड नेशनल कराटे विथ जैकी चैन। इट इज स्टिल सो मच फन टू वॉच इवन द 2022 ऑल ऑफ द एक्ट्रेस डिड ए ग्रेट जॉब, स्पेशली जेनवी वैंग हु प्ले चेंज द लीड बुली डिज नॉट इट टाइम्स बट लॉट ऑफ दिस अदर इट अमेजन आई वॉचेबल दिस मूवी टू मैनी टाइम्स येट स्टिल डज नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग बोर्ड विथ एन एक्चुअली दिस मूवी इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजन, करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट, वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन, फेकेशन एंड फेयरलेस, बींग ए ट्रू स्पोर्ट्समैन, एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ड विक्ट्री एंड डिफीट, लास्टली बींग एंड पैशनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव्स विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द कराटे किड इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन। आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ द स्टार्ट दिस रिव्यू, आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट, द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल, आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother, have no clue who play here but I think she probably had the second best performance in the show. I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting, that how believable and relatable the way of portable this character was. Jackie Chan of course has the best performance in the movie, nothing needs to be said about him. Chan was a very capable immigrant agnostic. I know his classical bullying why was always seen nowadays in Cobra K, even looking back to the old Karate Kid movie, but he is really does make his character feel menacing. Great movie. This movie is very powerful in so many ways. The movie touches a lot of life lessons and so as that taken like no heads down we can choose whatever note of great get back up. I love every actor of this movie and good
ए वेरी एक्शन फिल्ड। आई लव दिस कुंग फू ट्रेनिंग सीन्स आर माउंटेन एंड ग्रेट वॉल एंड डराई विक्टोरी सीन्स इज द वेरी टूर्नामेंट एंड रेड रिमेंबर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस 2010। आई हैव नॉट वॉचेबल दिस सीन्स बिकॉज डू नॉट हैव द DVD दैट वॉज अंटिल आई फाउंड ऑन नेटफ्लिक्स इन द मार्च 2020। आई बी वॉचेबल इफ यू 5 days स्ट्रेंथ देन आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie something the best left untouchable it would make more scenes for this film to be killed the kung fu kid or does not use karate this movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life watch the original from 1984 you will get much more enjoyment but of karate kick of Jordan Smith running on the great wall of chin and the bully is not anywhere near an invigorating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the intimidating with bully was 16 or 17 the same is Daniel and John were in the movie original film I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out of 5 years after passing of Naruki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remax just watch the good one of the goat throwing of Jaden Smith as well only 10 when op was filled but the has not comparison to rape replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just to show this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the joy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part ability and seeing the chemistry work as flow across the act of this good I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this The Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the finesse of this like just knew why this Netflix series made of this interesting when 6 issues thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely amazing movie so many things as well done of this very relationship between Mr. Hand and dry romance between dry and forget her name the conflict between Chang and dry of this good Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible I have every scene साल 2010 में रिलीज हुई द कराटे किड मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जैकी चैन की कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द कराटे किड मूवी था जो साल 2010 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि द कराटे किड मूवी जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने
देखने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 20 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2010 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 84% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 6.2 है और इस मूवी की रिलीज डेट 11 जून 2010 को अमेरिका के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर हेराल्ड जोराट थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं द कराटे किड मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। व्हेन आई वाज यंगर आई थ्रू आउट देयर आर वेर डूइंग कराटे इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ टाइटल बट नाउ एट 16 आई रिलीज दैट दे वेर डूइंग कुंग फू एंड द मूवी इज नेम द कराटे किड ऑफ नोगलेस्टिया गर्ल्स। एनी वे बैक टू माई रिव्यू, दिस मूवी वॉज माई एंट्री चाइल्डहुड इन इम्पैक्टफुल मी सो मच ऑफ दिस फर्स्ट सो आई सो दिस वॉज जेंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग फॉर मेटेरियल आर्ट्स आई टू कराटे लेसन फ्रॉम व्हेन आई वॉज 9 से 30 ईयर्स ओल्ड आई गोट अप टू ग्रीन बेल्ट। दिस मूवी होनेस्टली वॉज द फर्स्ट टू चेंज माई लाइफ सो यंग आई थिंक इज द मेन रीजन वाई आई लव एक्शन मूवी। दिस हैज ऑल द एक्शन, द फाइट सीन्स आर इनक्रीबल एंड इट वॉज नॉट जस्ट फॉर फुल ऑफ रीमैक इट टोत मिची एंड कुंग फू ट्रेड नेशनल कराटे विथ जैकी चैन। इट इज स्टिल सो मच फन टू वॉच इवन द 2022 ऑल ऑफ द एक्ट्रेस डिड ए ग्रेट जॉब स्पेशली जेनवी वैंग हु प्ले चेंज द लीड बुली डिज नॉट इट टाइम्स बट लॉट ऑफ दिस अदर इट अमेजन आई वॉचेबल दिस मूवी टू मैनी टाइम्स येट स्टिल डज नॉट सी माई सेल्फ गेटिंग बोर्ड विथ एन एक्चुअली दिस मूवी इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट लव ऑल ऑफ सीन्स डेपिटेशन एंड दे आर ऑल अमेजन करेक्टर प्रोडक्शन इज परफेक्ट वन ऑफ मोस्ट रिकमांडेड मूवी दैट टच एज ए लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बींग स्ट्रॉन्ग इन एनी सिचुएशन फेकेशन एंड फेयरलेस बींग ए ट्रू स्पोर्ट्समैन एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग द डीपर मीनिंग ऑफ द वर्ड विक्ट्री एंड डिफीट लास्टली बींग एंड पर्सोनेट दैट ऑल वी डू नॉट कनेक्टेड द ऑल थिंग्स वी हैव टू अचीवमेंट इन ओवर आवर लाइव्स विथ ऑल दूज ईयर्स दैट द कराटे किड इज रिलीज दिस मैक द यंगर ओन ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट जैकी चैन ऑफ गुड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी इज अमेजन आई डिड नॉट रियली न्यू हाउ टू स्टार्ट दिस रिव्यू आई विल जस्ट गिव माई फीडबैक राइट ऑफ द बैट द एक्टिंग इज सरप्राइज इनक्रीबल आई थिंक जेडिन स्मिथ डिड एन अमेजन जॉब playing his character and I think I have to give props to Dry Mother have no clue who play here but I think she probably had the second best performance in the show I don't even think in integrating when I show it is almost like she was not acting that how believable and relatable the way of portable this character was Jackie Chan of course has the best performance in the movie nothing is Lage needs to be said about him. Chan was a very capable immigrant agnostic. I know his classical bullying. Why was always seen nowadays in Cobra K. Even looking back to the old Karate Kid movie, but he is really does make his character feel menacing. Great movie. This movie is very powerful in so many ways. The movie touch a lot of life lesson and so as that taken like no as down we can choose whatever not of great get back up. I love every actor of this movie and good
वेरी एक्शन फिल्ड। आई लव दिस कुंग फू ट्रेनिंग सीन्स आर माउंटेन एंड ग्रेट वॉल एंड डराई विक्टोरी सीन्स इज द वेरी टूर्नामेंट एंड रेड रिमेंबर वॉचिंग दिस वेरी फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस 2010। आई हैव नॉट वॉचेबल दिस सीन्स बिकॉज डू नॉट हैव द डी वी डी दैट वॉज अंटिल आई फाउंड ऑन नेटफ्लिक्स इन द मार्च 2020। आई बी वॉचेबल इफ यू 5 days स्ट्रेंथ देन आई टुक ए ब्रेक फ्रॉम I started watching it again on April 2020 and I have been watching in the scene that a very great movie something the best left untouchable it would make more scenes for this film to be killed the kung fu kid or does not use karate this movie has no right to take up 2 hours and 30 minutes of your life watch the original from 1984 you will get much more enjoyment but of karate kick of Jordan Smith running on the great wall of China and the bully is not anywhere near an invigorating where Johnny Lawrence of Johnny Chris with the character being 11 does not make the intimidating with bully was 16 or 17 the same is Daniel and John were in the movie original film I think this one word is the good but better and not and to mention how this film came out of 5 years after passing of Naruki but Morita this original Mr. Miyagi this film is insult of Morita's legacy of this noise nobody can touch Morita's performance I had remakes just watch the good one of the goat the throwing of Jaden Smith as well only 10 when hope was filled but the has not comparison to rape replace the love interesting and Jaden Smith do not have any chemistry of the Karate Kid is much more worth your time the original is free on Prime Video and DVD like $6 go watch the movie from the 84 trust me the rat the Karate Kid anything less than 5.5 stars would be gross injustified to the quality production of this film having Will Smith as one of the key producer alongside Jackie Chan just show this my history and the magical feel that this film brings I have every seen film too many times to count and every time this very still down to watch it just bring me the enjoy of this good satisfaction of seeing Jaden Smith and Jackie Chan performance for this best part availability and seeing the chemistry work as flow across the act of this good I would love this movie credit after scenes and good settle would down of master of flying digress team I was fair young when this movie come out and honestly throughout this movie only Karate Kid movie I have watchable this movie a couple times and useful got bored of it and stupid paying attention I was not until I got a bit older that I found but there was an original so watch this first 3 movies and good original of this The Karate Kid was my favorite movie money because of basic and good the acting and plot was not nearly as so good the finals of this like just knew why this Netflix series made of this interesting and 6 excuse thanks for coming to my kitted catalog watchable this movie of this very this is an absolutely amazing movie so many things as well done of this very relationship between Mr. Hand and dry romance between dry and forget her name the conflict between Chang and dry of this good Jackie Chan are just amazing of this it is great movie especially of this good incredible I have every